हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग बैंकिंग। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग बैंकिंग में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सेशन में, जिसका नाम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम है अब की बारी सेलेक्शन की तैयारी करेंगे अपन। IBPS RRB क्लर्क एग्जाम का कार्बन कॉपी प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स एग्जाम का कार्बन कॉपी करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसे मैं सेशन को शेयर कर देता हूं, रुकिए एक मिनट, आप भी सेशन को शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे आ जाएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। देखो बच्चे आ गए हैं, मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप भी कर दें जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए कर दिया सेशन को शेयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, इसको मैंने ऐसे रखा है, अगर आप देखेंगे तो पूरा पेपर पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए पेपर कैसे भी अर्थमैटिक से भी स्टार्ट हो सकता है। तो देखो बेटा, मैंने वैसे ही पेपर रखा है जैसे DI आ गया, जैसे पेपर अर्थमैटिक आता है, लेकिन अपन सबसे पहले तो स्पीड मैथ्स को सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अच्छा वेटेज होता है स्पीड मैथ्स का, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज से, पहले सीरीज करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बताइए सारे बच्चे, मुझे आंसर हर एक बच्चे से चाहिए कि आप तैयार हैं कि नहीं है। कम से कम कुछ दिन प्रीलिम्स कर लीजिए, फिर मेंस में वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं कराऊंगा मैं, कुछ दिन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो आंसर बताओ, 30 सेकंड से ज्यादा ना लो इसमें, ये मान के चलिए 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 सेकंड में गाइस। 480 देखो नवीन राज दत्ता जी, सबने आंसर कर दिया, तो आप क्यों बैठे हो, आप भी आंसर निकालो। देखो बेटा कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब 4 × 8 सीधा मल्टीप्लाई दिख रहा है 2 बार, फिर 8 × 3 = 24 3 बार, फिर ये कितनी बार दिखाई दे रहा है 4 बार। अब आगे का नंबर हमें पता नहीं है, तो ये कॉमन सेंस कहता है 2, 3, 4। अब हम 5 × और 6 करेंगे, अब 6 से डिवाइड कर दो या सीधे 5 से मल्टीप्लाई, 96 × 5। जब भी 5 से करना होता है इसका आधा कर दो और यहां पर एक जीरो बढ़ा दो। 5 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, हमेशा नंबर का आधा करके एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर यही 96 × 25 होता, देखो जहां जहां जो शॉर्ट ट्रिक या रूल लगेंगे वो मैं बताता जाऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना रहे तो बगल में नोट करके लिखते जाइएगा। अगर 25 से करना है तो 2 जीरो लगा दो और इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 24 ये आंसर आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए 0 लगा के 2 से डिवाइड, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि 2 जीरो लगाकर आपको क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर 125 से करना है तो 3 जीरो लगा के 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड आपको मिलते हैं, 30 सेकेंड के अंदर आंसर कीजिए, विद इन 30 सेकेंड आंसर करने चाहिए भाई। एक बार जल्दी से फटाफट लाइक शेयर कर दो सारे बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 48, 24, 36, 90, 315 अगला नंबर क्या है, मेरे हिसाब से ओरल आंसर आ सकता है। देखो RRB इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो जाएगी, आप सिलेक्शन ले लोगे। चलिए बताइए 14, 17.5 कह रहे हैं हमारे नवीन सर। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ये इसका आधा हो गया, आधा हो गया तो हम कह सकते हैं आधे का मल्टीप्लाई हो गया या फिर 0.5 का मल्टीप्लाई हो गया। ये इसका क्या हो गया, 3/2 है या फिर हम कह सकते हैं 1.5 है,
ये कितना हो जाएगा? अब देखो 1/2, 3/2, तो ये 5/2 होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि 2.5 का मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो 18 × 5 = 90 सही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7/2, या फिर आप कह सकते हो 3.5 का मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो जाएगा 9/2। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 45, 9 × 45 कैरी हो गया 4, 9 × 9 = 9, 9 × 4 = 13, कैरी 1, 9 × 27 = 28, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1417.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आप सबको ये क्लियर है। दत्ता जी और नवीन जी का आंसर आया, बाकी लोग भी बेटा कोशिश करो, लगे रहो, आंसर आएगा, कोशिश कीजिए आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नवीन और दत्ता जी ने आंसर कर दिया 112, क्योंकि आसान है भाई, इतना आंसर, इतना तो भाई आप लोग देने जा रहे हो, इतना तेज होना चाहिए। अब देखिए यहां से यहां देखें तो 56 से 64, तो आप कहोगे सर 8 ऐड हुआ है, 4 इधर 4 इधर, इधर अगर हम देखें तो आप कहोगे सर 12 ऐड हुआ है, इधर आप कहोगे तो 16 ऐड हुआ है। अब ये दो चीजें एडिंग हमें नहीं पता, तो देखो 8 में 4 12 4 16, तो यहां पे 20 और 24 लिख सकते हैं क्या? चार चार ऐड हो रहा है, तो 92 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो 112 आना ही आना है। इस लेवल का एक क्लर्क में पूछा जाएगा, क्लर्क मतलब हलवा पेपर। तो बेटा मैं ये जो सीरीज करा रहा हूं, एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, दोनों की तैयारी एक साथ होती जाएगी, ठीक है? जैसे आज क्लर्क है तो कल पीओ होगा, परसों फिर क्लर्क होगा, फिर उसके अगले दिन पीओ होगा, इस तरह हम लोग तैयारी करते हुए चलेंगे। और वीकेंड में, वीकेंड में आप लोगों को मेंस की तैयारी, मेंस वाले बच्चे कुछ नाराज मुझसे चल रहे हैं ना, मेंस अभी तक पढ़ा रहे थे, तो बेटा वो ना हो, मेंस में बच्चे थोड़े से कम आ रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि प्री पहले पढ़ाते हैं वीकडेज में और मेंस पढ़ाएंगे वीकेंड पे, आपको मेंस भी मिलेगा, आप परेशान मत होइएगा। चलिए बस आंसर निकालिए। थर्टी एट दत्ता जी कह रहे हैं, नवीन कह रहे हैं 38। देखो भाई यहां पे नंबर्स पास पास है, तो हमने इसको डिफरेंस लिया कितना है +9, इधर डिफरेंस नहीं पता, इधर डिफरेंस नहीं पता, इधर डिफरेंस लेते हैं 2772 आ गया, इधर डिफरेंस ले लेते हैं तो 4 है ना, 10 में से 6 जाएगा यहाँ, यहाँ 8, 8 में से गया 4, यहाँ 1। अब देखो ये इसका डबल हुआ है, कहीं ना कहीं ये इसका डबल हुआ है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसका अगर हम डबल कर दें तो यहाँ पे 18 आना चाहिए, फिर उसका डबल करें तो यहाँ पे 36 आना चाहिए। अब 36 का डबल तो हमने कर ही दिया, 72 आ गया, तो 18 ऐड करके यहाँ पे हम क्या 38 आंसर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। इसी का दूसरा तरीका ये भी है, एक और मेथड आ रहा है दिमाग में तुरंत, अभी अभी आया मेथड, वो भी बता देते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे करें इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, दो का मल्टीप्लाई करके अगर आप दो घटा रहे हो तब भी आंसर आ रहा है, अगर आप डिफरेंस लेके चल लो तो भी आंसर आ रहा है, नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी बच्चे तैयार, 30 सेकेंड्स आंसर बताइए। तो वो पीछे से पकड़ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहां है, तो ये पीछे से पकड़ में आएगा, और मल्टीप्लीकेशन तो दिख नहीं रहा है तो कुछ और हो रहा होगा, बताओ क्या हो रहा होगा?
देखो, ध्रुव ने आंसर किया, नवीन ने आंसर किया, दत्ता जी ने आंसर किया, तीन बच्चों ने आंसर कर भी दिया। भाई देखो, यहां से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहां से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। मल्टीप्लाई है नहीं तो डिफरेंस ले लो, तो 28 से ये, तो यहां पे कितना आ गया, 9 प्लस हो गया। यहां पे अगर हम 37 से देखें तो 464 प्लस हो गया, यहां पर देखा 25 ऐड हो गया। तो देखो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। तो अब अगर देखो, 5 4 3, 2 और 1 आता है। अब देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, तो ये क्यूब होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे +1 होना चाहिए, यहां पर +8 होना चाहिए। तो यहां पे 20 सेटिस्फाइड कर रहा है, 20 इज द राइट आंसर। जैसे ही डिफरेंस लिया, एकदम क्लियर है सामने। नेक्स्ट, चलिए 30 सेकेंड्स, आंसर बताइए। ये नंबर तो बहुत पास दिख रहे हैं, ये तो और आसानी से लग जाने चाहिए। जल्दी से स्पीड मैच करते हैं, क्योंकि मेन सिलेक्शन तो बेटा अर्थमैटिक और डीआई से होगा। अर्थमैटिक इसके छोटे आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 88 कह रहे हैं नवीन, 88 कह रहे हैं ध्रुव। चलो करके देखते हैं। यहां से यहां देखा तो -6 हो गया है ना, यहां पे -3 हो गया। अब यहां पे पता नहीं, यहां पे पता नहीं, यहां पे क्या है, -6। अब देखो, -6 -3 अगर घटते हुए जाता तो यहां पे कम नंबर हो जाता। हो सकता है ये ऑल्टरनेट चल रहे हो, तो अगर मैं यहां पे -6 और -3 करूं, अगर इसमें से -6 करता हूं तो 88 आता। 88 से 3 माइनस करूं, ये सही है, 88 इज द राइट आंसर। ये आपको पकड़ में आना चाहिए, ऑल्टरनेट कब चल सकता है, ऑल्टरनेट कब चल सकता है, कब नॉर्मल चल सकता है। 6 3 था तो ये घट के 3, तो 6 तक पहुंच नहीं सकता था, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेना, 20 सेकेंड में लगाओ यार, क्लर्क वाले तो 20 सेकेंड में लगने चाहिए, 20 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, आप लोग सीरीज स्पीड मैथ्स में, अगर स्पीड मैथ्स मान लो, देखो मैं आपको बताऊं सिंपल सी कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में 15 से 20 मार्क्स की आएगी है ना। अगर इसको आपने 20 20 सेकेंड लिए, इसको अगर 5 से 6 मिनट में निपटा दिया, तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक देखने को मिलेगा और 10 क्वेश्चन डीआई के देखने को मिलेंगे। तो आपको यह पता है कि अगर इसको 5 से 6 मिनट में बता दिया, तो 15 से 14 मिनट आपके पास बचेंगे है ना, जिसमें कि 8 क्वेश्चन को आपको 8 मिनट में लगा देना है। तो बाकी क्वेश्चन को यहां पे कितना बच जाएगा, 6 से 7 मिनट। इसमें आप डीआई के कम से कम 6 7 क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस तरह चलोगे तभी आप 30+ जा पाओगे, और 30+ जाना ही जाना है, 30+ में काम नहीं चलेगा, 30 से कम में काम नहीं चलेगा, 30+ जाना ही जाना है ना। ये मान लो 35 आउट ऑफ 35 जाना है, जब तक आप 35 आउट ऑफ 35 नहीं करोगे, 10 10 सेकेंड में लगाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको पता है परसेंटेज ले डूबा, 2 0 7 9 63, 6 7 21, 27, 27 में से 12 जाएगा, 1 6 2। अब ये 5 से डिवाइड कर दो, बोलो हाँ या ना। देखो माइनस था मैंने प्लस कर दिया, प्लस था मैंने माइनस कर दिया, तभी देखो कट नहीं है। मैंने कहा डेसिमल में कैसे आ रहा, 285/5, तो 55 25 बचा 3, 37 35, 57 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फटाफट। अब इधर देखिए क्यूब है, तो यहां पे क्यूब वाला नंबर बनना चाहिए, फटाफट बनाइए।
चलो देखो, ये 60 है माइनस 38 डिवाइड है तो इसके साथ रह जाएगा 26 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये इससे 2 बार जाएगा, 26 दूना 52, 60 माइनस 52 मतलब 8, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो किसका आ जाएगा आंसर? 2, ई ऑप्शन। अब इसमें क्या टाइम लगाना? इसमें टाइम लगाना मतलब कि गलत काम करना। चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर बताइए। गुड, गुड मॉर्निंग कार्तिक गुप्ता जी। चलो नवीन, वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये 77 हो गया, 11 और 11, 77, 77 से 9 जाएगा तो 68, यहाँ पे 68 ऐड कर दो बेटा। देखो कम से कम, अब यहाँ पर पेन यूज नहीं करना है, अगर आपने यहाँ पे पेन यूज किया तो इसका मतलब आप टाइम ज्यादा लोगे। तो बेटा इस लेवल में तो बनी जाओगी, यहाँ इन सब चीजों में कैलकुलेशन में पेन यूज ना करना पड़े। अब 68 करोगे तो 1 है ना, 6 6 12 13 5, अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 छक्का 54 नहीं 5 बार जाएगा, 9 9 81 59 आंसर आ जाएगा। अब ये मुश्किल से 8 से 10 सेकेंड लगने चाहिए इसमें, क्योंकि बेटा यहां जो लोग अर्थमेटिक में टाइम देते हैं और स्पीड मैथ्स में टाइम बचाते हैं वही 33 34 अटेम्प्ट करके आते हैं मैथ्स में, और आपको पता है इसकी कट ऑफ कितनी क्लोज जाती है, 80 में से 77 78 कट ऑफ जाती है, यानी गलती करने की कोई संभावना ही नहीं है, और साथ ही साथ स्पीड भी मेंटेन रखनी ही रखनी है, नहीं रखोगे कुछ नहीं होना। ठीक है, यहां गलती की कोई संभावना नहीं, 10 10 सेकेंड वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। खैर मैं आगे कराऊंगा, पीओ और क्लर्क का अंतर ऑल्टरनेट डेज पे कराता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीकेंड में आपकी क्लास में मेंस की लूंगा मैराथन टाइप, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा, जो लोग परेशान है सर मेंस की क्लास क्यों बंद कर दी। 64, चलो देखो ये रूट एक्स है। अब देखो बेटा, ये इसमें से घटेगा और ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा तो 148 माइनस 68 कितना बचेगा? 80 इक्वल टू स्क्वायर रूट इनटू 10। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, एक्स की वैल्यू करोगे तो स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64। अब इसको 8 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेते हो अगर, देखो बेटा आप खुद समझो, यहीं से आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा कि सर स्पीड मैथ्स में 20 क्वेश्चन 8 सेकंड के हिसाब से, 8 10 सेकंड रख लो, 10 सेकंड के हिसाब से एवरेज टाइम 10 सेकंड रख ले तो 200 यानी 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हमें स्पीड मैथ्स खत्म करना है तभी कुछ कर पाओगे। अब इसकी क्या औकात है जल्दी बताओ, अगर स्पीड मैथ्स को आप औकात दिखा ले गए पेपर में तब तो सारा कुछ डन है। इक्कीस इक्कीस इक्कीस, 3 बच्चों ने 21 आंसर कर दिया। देखो बेटा परसेंटेज 2 जीरो ले उड़ा, इसको 3 कर दो, इसको 150 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से
डिवाइड 450 माइनस परसेंटेज ले दूंगा, इसका डबल कर दो 70, इसका आधा कर दो 70, परसेंटेज 2 0 ले उड़ा 7 7 49, अब 20% तो ये 40 हो गया। अब 40 से 9 घट जाएगा 441, अब 441 तो 21 का स्क्वायर होता है। देखो ये भी 8 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं। बेटा एक याद रखना कि मैं एकदम पेपर को दिमाग में रख के ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्लर्क का पेपर है इसी लेवल का आएगा। चलिए अगला उड़ाइए, देखिए कौन उड़ाता है। अब डेसिमल में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि टफ है ये, फटाफट। देखो 10 सेकंड में ही आंसर दिया है ध्रुव नवीन दत्ता जी ने। देखो 2 का 1/4, 1/4 करोगे तो पहले 2 से 2 कटे 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा ये 4.5 हो गए इंटू 8। अब 4.5 का आधा 8, ठीक है बोलो। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 90 इंटू 4, कितना आया 36, 36 को 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3.6। ये भी 10 सेकेंड से ज्यादा अगर इसको दे रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो और आपको जरूरत है स्ट्रांग बनने की। चलो नेक्स्ट। हाँ ये है कि डेसिमल वाले थोड़ा सा परेशान कर देते हैं बच्चों को, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे आ गया आंसर 12.5। देखो कुछ नहीं करना है आपको, देखो बेटा ये डिवाइड आएगा ये 60 आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.2, पॉइंट से 0 कट गया, इधर क्या आ जाएगा 12, इधर क्या चला आधा, तो क्वेश्चन मार्क -0.5। अब 0.5 उधर चला जाएगा तो 12.5 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट। बेटा एक बार लाइक शेयर कर दे सारे बच्चे। ट्वेंटी 4। अब देखो 80%, 80% है, 80% होता है 4/5, तो वो उधर चला जाएगा, तो यहां पे कर दो 5/4, इधर क्या चला 15 चौको 60, 6+? बराबर ये कितनी बार जाएगा 6 6 5 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। इससे ज्यादा टाइम नहीं खींचना है। नेक्स्ट। ये तो सीधा नंबर है यार। गुड नवीन, देखो 5 सेकंड में आंसर किया है, 5 सेकंड में। तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? नवीन ने सिर्फ 5 सेकंड में आंसर किया है।
तृप्ति, लेट हो गए। अब देखो बेटा ये किसका, इसी में फंस गए होंगे। 37 प्लस 13 माइनस 14, तो माइनस एक हो जाएगा 36। 36 होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ले रहा तो 6 आंसर का। यार एसी रिमोट कहाँ गया, वो ठंडा कर दो। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले सकता है, ये अगर 10 सेकेंड ले ले तो कोई बात नहीं, दे दो इसको 10 सेकेंड, दे दो, ले लो भाई तुम 10 सेकेंड। 20% ऑफ 45, अरे 10% ऑफ 900। देखो जब भी ऑड नंबर दिखता है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। 10% मतलब 90 प्लस 330 माइनस 12 13, 156। बोलो अब 156 से ही घटाएं तो यहां आया 4, तो क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, यहां बचा 2, 2 में से जाएगा 7, यहां बचा 2, 2 में से जाएगा 1। अब इसको जोड़ दो, 4 9 7 16, 264, और कुछ है नहीं है, 264 ई ऑप्शन। तब भी उतना टफ नहीं है, गुड। नेक्स्ट, स्क्वायर ने सबसे पहले निकाला, जो तरीके मैं बताऊंगा वो तरीके भी याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है स्पीड मैथ का, इसके बाद अर्थमेटिक आ जाएगा, इसके बाद अर्थमेटिक आ जाएगा। बताओ अब इतना अगर या आपको याद होना चाहिए कि ये 34 है प्लस 45 माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 2। अब देखो 12 जाएगा इसमें से, तो 2 बचा, 2 बचा 22 बचा प्लस वाला, ये कितना हो गया 67, 2 जोड़ दो 69, ये 3 नीचे आ जाएगा 23, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको तुम लोग 45 सेकंड में लगाओ, इस क्वेश्चन को आपको 45 सेकंड में लगाना है। प्रताप और कुश्ती ने एक पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट किया 35,000 एंड 42,000, ठीक है। एक साल बाद प्रताप ने 5,000 रुपये और लगा दिए, खुशी ने 2,000 रुपये निकाल लिए। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 314,000 हुआ, तो खुशी का प्रॉफिट बताना है। अब देखो इसको अगर मैं कहता हूं 45 सेकेंड, तो 45 सेकेंड में ही लगाना है। अब मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा यहां पे, जिसको आप लोग दिमाग में बांध लें। किसी का आंसर आया? गुड दत्ता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जहां मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप 2 सेकेंड भी बचाते हो तो आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को करते समय आप कम से कम 20 सेकेंड बचा सकते हैं, कम से कम 20 सेकेंड सेव कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखो पार्टनरशिप का जब भी क्वेश्चन आए तो देखो पार्टनरशिप का वो कॉन्सेप्ट पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालना होता है। हमें निकालना क्या होता है, रेशियो, और रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जीरो होते हैं, ये जीरो काटना नहीं, स्क्रीन पे कटेगा नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल दो जीरो। ये 3 जीरो हमने सारे दिमाग से निकाल दिए। मैंने क्या कहा, प्रताप और खुशी
प्रताप ने मान लो 35 रुपए लगाए और खुशी ने मान लो 42 रुपए लगाए, ठीक है। वो भी अगर हम देखें ये किसी नंबर से कट रहा है, 5 और 6, 7 से कट रहा है। मान लो प्रताप ने 5 रुपए लगाए, इसने लगाए आपके उतने, नहीं, काट दोगे गड़बड़ हो जाएगा, काटना नहीं, जब 0 पहले ही काट चुके हो, क्योंकि कम ज्यादा कर रहा है। अगर कम ज्यादा ना करता तो लिख देते हैं 35 और 42। कहता है एक साल तक तो पैसा ऐसा लगा रहा, लेकिन एक साल के बाद प्रताप ने 5 रुपए और लगा दिए, एक साल बाद 5 रुपए और लगा दोगे 40 हो जाएगा अगले साल के लिए। और खुशी ने 2 रुपए निकाल लिए, अगर खुशी इसमें से 2 रुपए निकाल लेगी, 42 से 2 रुपए निकाल लेगी, 40 बचे। तो आपने कहा 35 और 40 75 हो गया, ये कितना हो गया, 82 हो गया। अब देखो यहीं से आंसर मिल रहा है हमें, खुशी का निकालना 82 से यही मल्टीपल में है 2 गुना, लेकिन आपको सॉल्व करना है। तो 5 2 7 टोटल हुआ 7 8 7 15, 157। इसके हिसाब से प्रताप और खुशी का टोटल सम हो रहा है ये, जबकि टोटल सम क्या है 314। एक बराबर कितना है 2। देखो 0 मैंने नहीं लिखे, अब 82 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो 164। कभी भी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचिए 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, कितने जीरो हो गए, 12 जीरो यहां और 3 जीरो यहां, 15 जीरो। अब 15 जीरो लिखने में, अगर आप 15 जीरो लिखोगे तो 15 सेकेंड तो बर्बाद करोगे ना, फिर उसको काटने में 5 सेकेंड लिखोगे, तो 20 सेकेंड तो आप ऐसे बचा सकते हो। और यहां पे सेकेंड का ही महत्व तो रहेगा, आप लोग जो RRB का एग्जाम लिखने जा रहे हो, ये मैं बता दे रहा हूं पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना कम से कम पेन यूज करो उतना आपके लिए फायदा है। देखो द अमाउंट ऑफ 1250 डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी सी, ए को 24 अमाउंट, ए रिसीव 24% ऑफ द अमाउंट, बी रिसीव 50% मोर देन ए। अच्छा तो बताओ सी को कितना मिलेगा। अब कई लोग इसको सोचेंगे रेशियो से बना ले, कोई कहेगा ऐसे बना ले, जो ये सोचने में भी टाइम बर्बाद करेंगे वो फंस जाएंगे। देखो सबसे पहले स्क्वायर ने आंसर किया, फिर दत्ता जी ने। देखो सबसे पहला बात क्या है, 1250 था ना टोटल ए बी सी का, तो ए को 24% मिलता है, तो मैंने इसका 24% ले लिया। अब 24% मिलने का मतलब है इसका हम 8 गुना कर दें, 8 गुना कितना होता है 1000 इंटू 8 से इसको डिवाइड करो 3%, तो 2 जीरो खत्म, 300 रुपये मिला ए को। बी को मिलता है 50% ज्यादा, बी को इसका 50% ज्यादा मिलता है, तो इसका 50% मतलब आधा यानी 450 मिलता है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 1250 था जिसमें 300 इसको मिला, 450 इसको मिला, यानी 750 चला गया, तो सी के बाद 500 बचा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों क्लियर है बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट, जो ना समझ में आया उसका पूछते भी रहना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसको मेरे तरीके से करोगे तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, मैं दो तरीके बताता हूं। देखो पहले तो बेसिक से बताता हूं, अगर आप बेसिक से करते, अगर आप बेसिक से करते तो आप क्या लिखते कि
29 60 है, तो 29 इनटू 60 करते पहले, उसकी वैल्यू निकालते, फिर कहते हैं 10 लोग ऐड हो गए तो स्टूडेंट हो गया 70, एवरेज हो गया 30, ये 2100 हो गया। इनको घटाते, घटाने के बाद जो भी वैल्यू आती उसको 10 से डिवाइड करते आंसर। अब ये कैलकुलेटिव है, एक तरीका होता है सबसे बढ़िया मैंने बताया, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको पता है 60 स्टूडेंट का 29 है तो 10 लोग बढ़ गए, अब कितने हो गए 70 लोग, ये कितना हो गया 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया जाता है, यहाँ डिफरेंस 1 है यहाँ डिफरेंस 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 60 और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 30 बराबर 90, 90 था, नहीं नहीं कहाँ का, यहाँ पे 10 आएगा ना तो 300, तो 360 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 360। अब ये जो हमेशा आता है ये डिफरेंस का सम आता है, अब हमें एवरेज निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो 36, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, मुझसे पढ़ते हो तो ये, इससे क्या होती है आपकी कैलकुलेशन बच जाती है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ भी सकते हो बेटा, देखो आप नहीं चाहोगे कि आपको 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, इसकी वजह से 30 रह जाए, आप 34 करके आ जाओ। देखो 21 लीटर एसिड ए में है, वाटर कितना है 3:4, 22 लीटर बी में है, वाटर और बेस 5:6, ठीक है। इफ दीज टू सोल्यूशन आर मिक्सड इन द रेशियो 2:5, ठीक है, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ द एसिड फाइनल मिक्सचर, बताओ भाई। देखो बेटा अगर ये आपको टफ लगता है तुरंत स्किप कर देना, क्यों, रीजन ये है, मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, आप इसकी वजह से अगर 2-3 मिनट बर्बाद कर दोगे तो आपके 30 ही लगेंगे आउट ऑफ 35, अगर इसको आपने स्किप कर दिया तो ये बच जाएगा टाइम और आप कहीं ना कहीं 33 से 34 कर पाओगे 35 में, तो कभी कभी स्किप करके इसकी जगह यहां पहुंचा जा सकता है, ये स्ट्रेटजी दिमाग में हमेशा रखना है ना, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है तो आप ऐसी एक अजमा सकते हैं कि इसको लास्ट में अगर हमने टाइम बचा लिया तो लास्ट में कर लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं पेपर हूबहू कार्बन कॉपी पेपर लेके आ रहा हूं, जिससे कि आपको पेपर करते करते स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। देखो बेटा एसिड और वाटर, इसमें क्या था एसिड और वाटर, किसी का आया नहीं अभी तक आंसर, क्या किसी का नहीं आया, देखो किसी का भी नहीं आया। अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं सब लोग ध्यान समझना, ये कंटेनर ए है जिसमें एसिड एंड वाटर है, एसिड एंड वाटर 3:4, दूसरा वाला कंटेनर है बी जिसमें वाटर और बेस है 5:6, बोलो अब इन दोनों को मिलाया गया 2:5 में, तो देखो बेटा सारे बच्चे समझना इसको करेंगे कैसे, मैंने मान लिया ये टोटल क्वांटिटी तो है 2x है, ये टोटल क्वांटिटी क्या है 5x है, अब हमें रेशियो जो बताना है एसिड और बेस का बताना है, कई बच्चे इतनी देर में नहीं कर पाए और क्वेश्चन के वो लिटिल नॉलेज की वजह से, अब देना कितनी हवा में लगेगा ये क्वेश्चन,
आपको एसिड चाहिए यहां, तो एसिड कितना है 3 बटे टोटल कितना है 7 ऑफ 2x। यहां पे देखो बेस कितना है 6 आउट ऑफ 11 इंटू 5x। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, 3 से जाएगा ये 2 बार, और कुछ कट रहा है, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, 11:35 आंसर आ जाएगा। इतना करना था, देखो ये तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है, इतना करना था, इतनी देर में नहीं लगा। सोचो किसी भी एक बच्चे का ऑप्शन नहीं आया आंसर, देखो कुछ था इसमें। पूरे 15 बच्चों में किसी बच्चे का नहीं आया, ये सोच के मैं हैरान हूं मैं। अभी क्लियर है सबको? दोस्तों अभी क्लियर है? जल्दी से एक बार एक और बता दे। चलो अच्छा एक बार और बता देते हैं, सारे बच्चे समझना, एक बार और बता देते हैं। देखो देखो यहां पे 2 बर्तन थे, पहले वाले बर्तन में एसिड और वाटर था 3:2, एसिड एंड वाटर 3:4, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, वाटर और बेस 5:6, ये पहला कंटेनर था, ये दूसरा कंटेनर था। सारे बच्चे समझना था, हमसे रेशियो पूछ रहा है एसिड और बेस का, बोलो। अब एक बात बताओ, एसिड, अब देखो इसमें एसिड तो है नहीं, यहां वाटर वाटर तो मिल जाएंगे, लेकिन एसिड अकेला रहेगा, यहां का बेस अकेला रहेगा, तो यहां पे एसिड कितना है 3 बटे टोटल कितना है 7, और यहां पे बेस कितना है 6/11। अब देखो इसका टोटल कितना है 2, तो इसका टोटल कितना है 5, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा कि इन दोनों को ए और बी को मिलाया गया 2:5 में, अगर ये 2 लीटर है तो ये 5 लीटर, तो ये 2 लीटर का और ये 5 लीटर का आंसर आ गया 11:35। क्या था बताओ, ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं था, एकदम हलवा था। नवीन स्क्वायर बेटा, तुम लोगों ने बहुत अच्छे आंसर किए, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, क्लियर है? चलो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत में, शुरुआत के क्वेश्चन बाकी हैं। चलो बताओ, देखिए आसान क्वेश्चन है, बताइएगा द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रेक्टेंगल वॉल, एक रेक्टेंगल वॉल है आपके कमरे की, उससे हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है, इतना आता है पर स्क्वायर मीटर, ₹160 रेट है और इतना खर्चा आता है, अगर साइड साइड ऑफ वॉल, उस वॉल की एक साइड दे रखी है 8 मीटर, तो बताओ उसकी लेंथ अनदर साइड कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। देखो बेटा आप बताओ, जो खर्च आता है, एक्सपेंस आता है, कॉस्ट आती है, वो होता है रेट इनटू एरिया। आपसे कोई कहे हम एरिया के हिसाब से लेंगे, एक स्क्वायर मीटर खर्चा इतना लेंगे, तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे जितना एरिया होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट हमें दे रखी है 8320, रेट हमें दे रखा है 160, ये कट गया, 16 से काटो, 16×25 80, 16×2 54, ये एरिया है, और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी बराबर एरिया,
अब एक दे रखा है 8, तो दूसरा निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 अपॉन 8। अब इसको काटो, 8 6 48.5, 6.5 मीटर, काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ, ध्यान से पढ़ना, ये सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन का मतलब सारा कुछ इसकी लैंग्वेज में लिखा है। मंथली इनकम ऑफ बी इज हाफ ऑफ द इनकम ऑफ सी, ठीक है। सी के बारे में कह रहा है, सी का एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखा है। कहता है बी की इनकम, अच्छा इनकम ऑफ बी दे रखी है 42। अब देखो मैं जीरो नहीं लिखूंगा, जीरो लिखूंगा ही नहीं, तो इनकम ऑफ सी कितना हो गया, इसका डबल 84। हमें इन सेविंग ऑफ सी बतानी है, तो देखो सेविंग कितनी है, दो, कितने में से, 7 में से, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके इनकम होता है, तो 2/7 किसका, 84 का, 84 का गया 12 बार, 12 दूना 24, जीरो नहीं लिखूंगा, नहीं 5/60, जीरो नहीं लिखूंगा। जीरो लिख के भी देखो, जीरो नहीं लिख के भी आप कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बचा रहे हो हर क्वेश्चन। जीरो मत लिखिए, जहां पे भी हजारों की बात आती है वहां जीरो मत लिखिए। देखो अब ये मत समझना कि ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि इसको स्किप कर दे रहे हो। पूरी एक बात याद रखना बच्चों, दिमाग में एक बात जरूर डाल लो कि प्री का एग्जाम है, क्वेश्चन इजी ही आएगा, क्योंकि तुम्हें 35 क्वेश्चन करने हैं, तो वेरिएबल आए चाहे ना आए आपको क्वेश्चन करना ही करना है। वेरिएबल आया है तो भी हलवाई क्वेश्चन होगा, बताओ। कहता है ए ने एक्स रुपए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए, और बी ने इतने रुपए 16% 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए। सिंपल इंटरेस्ट इतना आया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। आंसर आ गया, हाँ 300 आ रहा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट एक का और सिंपल इंटरेस्ट बी का दोनों मिलाकर कितना दे रखा है, 254। अच्छा देखो 1 साल में तो 10% आएगा, तो 10% ऑफ एक्स प्लस ये कितना है, एक्स प्लस 400। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल अगर 16 है तो दूसरे साल भी 16 आएगा, यानी 32% बराबर 254। ये कैलकुलेशन है, 10 और 32 42% ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस ये 32% में 2 जीरो चला जाएगा, 4 दूनी 8, 12 128, 254। अब ये इधर कट घट जाएगा तो 14 में से जाएगा 6, बोलो यहां बचा 4, 4 में से ये गया 2 2 1, 126, 42 इधर आ जाएगा, और परसेंट में 100 इधर आ जाएगा, 42 से जाएगा 3 बार, तो आंसर आ गया 300, काम खत्म। अब इससे ज्यादा लिख रहे हो तो केवल और केवल कोई बात नहीं यादव जी, अब डेली आना है, थोड़ा 10 बजे आ जाए करो, 10 बजे से क्लास होती है। चलो बताओ, हाँ यादव जी कल से 10 बजे। कहता है एक रिवर है,
अप में जाने में, डाउन में आने में टाइम ज्यादा लगता है। अरे ये तो कॉमन सेंस है कि भाई नदी उधर बह रही तो जल्दी पहुंच जाओगे, और नहीं तो फिर स्लो स्लो आओगे, ऐसे ऐसे आओगे, है ना। तो टाइम अप में ज्यादा लगता है डाउन से। अब देखो बेटा करना क्या है आपको, आपको पता है डिस्टेंस जब सेम होता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, टाइम के। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, टाइम के। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा अगर मैं कहता हूं अप और लिखता हूं डाउन, तो आपको पता है इसमें 3 घंटे लगे हैं तो इसमें 1 घंटा लगा, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 3। अब मेरे बालकों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको पता होगा अप में होता है बी माइनस डब्ल्यू और ये क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू। बोलो तो बी और डब्ल्यू का रेशियो क्या आएगा, देखो। अरे ये तो सिर्फ कुछ ऐसा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है और एक्स माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2:1। भाई यहां से निकालो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू 1। कैसे आ जाएगी, दोनों को जोड़कर आधा करोगे एक्स, घटाकर आधा करोगे वाई, वही चीज यहां आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा कि वाटर की स्पीड 3 है तो इसकी 6 होगी, काम खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डीआई पढ़ो, समझो और लगाओ। पढ़ लिया बेटा, रीडिंग हो गई। अब देखो क्या कहता है, देखो ये टेबल दे रखी है, कैंडिडेट कितने जाते हैं और कितने परसेंट क्वालिफाई करते हैं, ये हमें दे रखा है। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, ये क्वालिफाइड की बात कर रहा है तो इसका 30%, अगर डिसक्वालिफाइड की बात करता तो यहाँ पे 70% हो जाता, 100 में घटा देते, यहाँ पे 75% हो जाता। ठीक है, बस यही इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो करके बताते हैं। कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर पुलिस एग्जाम फ्रॉम स्टेट आर, स्टेट आर से क्वालिफाइड, तो 6400 का 35%, तो आ गया 64 × 35। करो मनाई, छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो। टू द नंबर ऑफ, रेशियो बताना है तो कभी मल्टीप्लाई नहीं करो, जब भी परसेंटेज या रेशियो बताना हो कभी मल्टीप्लाई ना करो, वो क्वेश्चन इजी बन जाता है। टू द कैंडिडेट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम वाई, यहां से डिसक्वालिफाइड, तो टोटल कितने हैं, 36।
अब देखो इसके क्वालिफाइड थे 25, तो 75 होंगे डिसक्वालिफाइड, यहाँ पे 75 कर दो, बस इसी को काट लो। अब परसेंटेज लेने की जरूरत नहीं है, देखो तो 16 से नहीं, यहां से हम 4 से काटे 9 बार, इसको 4 से काटो 16 बार, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 5 से 7 बार, 5 से काटे 15, 15 नौ 135 हो गया, ये 16 सत्ते 112, तो ये आंसर आ गया 112 135, काम करता हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह आपको करना होता है, तो इस तरह आप लोग बाकी क्वेश्चन, बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, इस वाले ग्रुप में को ऐड जरूर कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा डेली जो बचे हुए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जैसे ये होमवर्क वन है ना, तो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप लोग करते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है 3-4, तो ये कर लीजिएगा, और इस पे ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर पीडीएफ मिलती रहे। मैं डेली, देखो मैं बच्चे बता देता हूँ, ऑल्टरनेट डे, आज क्लर्क का है, कल पीओ का एग्जाम, पीओ का पेपर होगा, फिर क्लर्क का पेपर कराऊंगा, फिर पीओ का पेपर कराऊंगा, और वीकेंड में मेंस की तैयारी का मैराथन होगी, मेंस मैराथन, ठीक है, जिससे तुम लोग का ये दोनों मिलाकर एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 10 AM वाली क्लास को फॉलो करना, ठीक है, 10 AM वाली क्लास को फॉलो करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू, लाइक कर देंगे सारे बच्चे, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा।